ओम शांति ओम शांति ओम शांति तीन बार ओम शांति क्या याद दिलाता है? एक मैं आत्मा लाइट, दो मैं आत्मा माइंड हूँ, तीन मैं आत्मा कर्मों के बंधन से लाइट हल्का। आज हम सभी आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का भट्टी दुनिया में कोई परिवर्तन करना है तो बाह्य रूप से परिवर्तन का प्रयास करता है, लेकिन हम सबको प्यारे बाबा ने इतना सुंदर रूप के ध्यान से अंदर के कमजोरियों को निकालने का एक नया तरीके के परिवर्तन करते रहते हैं। ये भट्टी केवल सुनने का नहीं है, एक जीवन में प्रयोग करके अनुभव का खजाना अपना बनाने की भट्टी है, लेकिन इसके लिए कई नियमों को पालन करना है। मैं इसको भट्टी के बदले दूसरा नाम देता हूँ, ऑपरेशन। हॉस्पिटल में क्या करते हैं? हॉस्पिटल में क्या करते हैं? जब ऑपरेशन करते हैं तो सभी मोबाइल फोन लेकर के बातें करते हैं क्या? क्या करते हैं? देखो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। हॉस्पिटल में जाने वाला तीन प्रकार के लोग होता है। एक होता है आउट पेशेंट, जो जाता है कुछ इलाज करते हैं और आ जाते हैं। दूसरा होता है इन पेशेंट, थोड़ा टाइम के लिए एडमिट होता है, ग्लूकोज इंजेक्शन या कुछ ना कुछ जैसे ब्लड वगैरह इंजेक्ट करा के आ जाता है। तीसरा होता है जो पूरा ऑपरेशन होने तक डॉक्टर के हाथ में अपना जिंदगी को जमा करके डॉक्टर को पूरा सौंप करके पूरा रीति से सर्जरी करा के सब तरह से बैंडेज वगैरह लगा के और सब तरह से भी क्या करते हैं, परहेज के बारे में जानकारी करके। तो यहाँ भी वैसे जो कभी कभी क्लास में आता है, रोज मुरली में नहीं जाते हैं, वो सब कौन सा पेशेंट है? कौन सा पेशेंट है? आउट पेशेंट। जब कोई दुख आता है तो बाबा का घर याद आता है, जब कोई जीवन में कुछ मुश्किल आता है तो बाबा के घर में जाके थोड़ा समय शांति का अनुभव करेगा। ऐसे प्रयोग करते मैं कई टीके पाए हूं, तो ना संबंध संपर्क में रहने वालों का ये भी देखता हूँ। पास 18 जनवरी आते हैं, शिवरात्रि पर आते हैं, नए साल में आते हैं, बाकी दिन कहते हैं मैं बिजी हूँ, बाकी दिन क्या कहते हैं? बिजी। हमारे अंदर आत्मा को इतना इजी करने के लिए भगवान आता है, तो कई लोग क्या कहते हैं? बिजी। अब कई लोग होता है जो मुरली के बीच बीच में आता है, जब धारणा सुनाता है, वरदान पढ़ते हैं उस समय आता है, बहुत कम टाइम पूरा पूरा रूप से मुरली नहीं सुनता है, बीच में आके कई लोग फिक्स करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में गुरुवार के दिन साईं बाबा टेंपल जाता है, शुक्रवार के दिन कोई माता जी का टेंपल जाते हैं, ऐसे सोमवार गुरुवार रविवार ऐसे फिक्स करते हैं। और कई लोग होते हैं जो पूरा रीति से बाबा को अर्पित होकर के अपने भाग्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी हम ही अपने आप को जाने, हम कौन से तरह के पेशेंट हैं।